जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइबर तक में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1930 पर कंप्लेन रजिस्टर कराने के बाद MHA द्वारा जारी NCCRP से सेंड किए गए लिंक को कैसे फिल करते हैं, जिससे आपकी कंप्लेन का फाइनल सबमिशन होता है। दोस्तों, इस लिंक को फिल करने के लिए डेस्कटॉप का यूज़ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में फाइनल सबमिशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको MHA द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं दिख रहा है तो आप अपने डेस्कटॉप के ब्राउज़र में टाइप करें cybercrime.gov.in। सर्च करते ही आपको फर्स्ट ऑप्शन में साइबर क्राइम पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फाइल ए कंप्लेंट, आपको कुछ इस तरह का टर्म मिलेगा। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करते ही आप उसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप लिंक को क्लिक करते ही पहुँच गए थे। इसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं UP का है तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको मैसेज में लॉगिन आईडी मिला होगा, आपको लॉगिन आईडी फिल करना है। लॉगिन आईडी फिल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल से आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे क्लिक करने के कुछ सेकंड बाद आपको एक मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। OTP को फिल कर लेना है। OTP के बाद आपको कैप्चा हुआ फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपकी कुछ डिटेल्स पहले से भरी हुई हैं। फिर आपको कुछ इसमें डिटेल्स भरनी है। टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ में कुछ इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करना है। पहले ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डेट सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपना एक बार यहाँ फिर से आपको अपनी मेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पर फादर मदर स्पाउस में आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको सभी रेड स्टार वाले कॉलम को फिल करना है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आपको मॉडिफाई रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। मॉडिफाई रिकॉर्ड पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो आपने 1930 पर कॉल करके डिटेल्स बताई थी, यहाँ पर सब आपको ऑलरेडी फिल मिलेंगी। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई अमाउंट आपने कॉल पर नहीं बताई थी तो आप उसको डेबिट ट्रांजेक्शन डिटेल में जाकर फिल कर सकते हैं। नीचे आते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन डिटेल में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। इस कॉलम में आपसे साइबर क्राइम का अप्रॉक्स डेट एंड टाइम पूछा है, तो यहाँ आप अपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन का डेट एंड टाइम फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से। सेकेंड कॉलम है आपका, वेयर डिड द इंसिडेंट ऑक्योर, मीन्स साइबर फ्रॉड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। मेरे साथ साइबर फ्रॉड व्हाट्सएप से स्टार्टिंग हुआ था, तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लूँगा। नीचे एक न्यू ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको फ्रॉडस्टर के व्हाट्सएप नंबर को फिल करना है। नंबर फिल करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको एविडेंस अपलोड करना है। इसमें आप व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे। लास्ट कॉलम में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है। मेरे साथ कैशबैक के नाम पर फ्रॉड हुआ है, तो मैं यहाँ पर वही मेंशन करूँगा। आफ्टर डैट आपको सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें सस्पेक्ट्स डिटेल्स का डिटेल भरना है आपको। इसको आपने ऑलरेडी पहले ही फिल कर दिया है, तो यहाँ पर आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जहाँ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे कि रिलेशनशिप ऑफ विक्टिम, अगर आप खुद विक्टिम हैं तो सेल्फ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में आपको मेल आईडी फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी एक नेशनल आईडी अपलोड करनी होगी, लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। नीचे दिए गए सारे रेड स्टार बॉक्स को फिल करना नेसेसरी है। इन बॉक्स में आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कॉमा, डैश, कुछ भी नहीं, तो आपका फॉर्म सेव नहीं होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें से आपको डैश हटा देना है, फिर सेव पर प्रीव्यू करना है। ये फॉर्म आपका सेव हो जाएगा। सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आप अपने द्वारा फिल की गई पूरी डिटेल को यहाँ देख सकते हैं। नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करना होगा। कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करते ही आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, जिससे आप अपनी कंप्लेंट को टेस्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कंप्लेंट को टेस्ट कैसे करते हैं। डाउनलोड फाइल पर क्लिक करके आप अपने कंप्लेंट की रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे।
आपके द्वारा 1930 पर कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर कराने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। साइबर से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।